गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, नारायणेश्वर वेद वेदांग संस्थान द्वारा संचालित आध्यात्म श्रृंखला में आज हम लोग महाशिवरात्रि के बारे में जानेंगे, जो कि आगामी 13-14 फरवरी को पड़ने वाली है। हमारे साथ हैं गुरु जी श्री नारायण दत्त अवस्थी जी, जो नारायणेश्वर वेद वेदांग संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। गुरु जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप महाशिवरात्रि के बारे में कुछ बताएं, जो कि आगामी 13-14 फरवरी को पड़ने वाली है। तो इसका क्या महात्म्य होता है, इसकी क्या कथा है और यह पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है, इस पर जो है प्रकाश डाले, इस पर्व का क्या महात्म्य है? आशुतोष जी, फरवरी में 13 तारीख को जी त्रयोदशी प्रदोष का व्रत भी जी है। जी जी, त्रयोदशी प्रदोष काल में होने पर प्रदोष व्रत किया जाता है। जी जी, और उसी दिन रात्र में 10:22 से चतुर्दशी भी लग जाएगी। जी जी जी, तो अर्धरात्र में जब चतुर्दशी होती है जी जी, तो शिवरात्रि का व्रत भी मनाया जाता है। जी जी, ऐसा निर्णय चंदू और धर्मशास्त्र में जी जी कहा गया है। जी जी, और 14 तारीख को भी चतुर्दशी रहेगी। जी जी, 12:32 महाशिवरात्रि जो है ये चतुर्दशी को ही मनाई जाती है। जी, महाशिवरात्रि जब चतुर्दशी चाहे प्रदोष काल में हो जी जी, और अर्धरात्रि में व्यापिनी हो। जी जी, यानी 13 को भी मना सकते हैं और 14 को भी मना सकते हैं, दोनों दिन व्रत रह सकते हैं। व्रत रह सकते हैं दोनों दिन, इस बार ऐसा संयोग पड़ रहा है। जी जी, और आशुतोष जी, महाशिवरात्रि जो है जी वो शिव का वर्ष में एक बार ही ये व्रत होता है। जी जी, इसमें भगवान शिव का छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा तक लोग पूजन करते हैं। जी जी जी, और अपनी विभिन्न कामनाओं के अनुसार जी 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 भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इसमें भगवान शिव के पूजन का जी जी मंत्र जप का जी जी जी, इस पर गुरु जी, इस पर कोई कथा भी है? हाँ जी जी, ये शिवरात्रि के संबंध में शिव पुराण और अन्य भी ग्रंथों में जी जी कथाएं आई हैं। जी जी, उसमें से एक हम बताते हैं। जी जी, एक बहेलिया था ब्याह। जी जी, वो जंगल में शिकार के लिए गया। जी जी, जो शिकार लाता था उसी से अपने परिवार का पालन करता था। जी जी, संयोग से वो दिन भर जंगल में भटकता रहा। जी जी, उसको कोई भी शिकार जीव जंतु नहीं प्राप्त हुआ। जी जी, सायंकाल हो गया। जी जी, निराश होकर दुखी हुआ। जी जी, कि हमारे परिवार के लोग क्या खाएंगे, शिकार नहीं मिला। दुखी होकर के जब अंधेरा हो गया तो घर वापस वो नहीं लौटा। जी जी, हिंसक जंतुओं से रात्र में बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जी जी, संयोग से वो बेल का पेड़ था। जी जी, और वो बैठा बैठा चिंता के मारे भूख प्यास से व्याकुल था। जी जी, लेकिन उसको न अन्न मिला था न जल मिला था। जी जी, तो पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। कभी आदमी बैठता है दुख में तो कुछ न कुछ करता रहता है। जी जी, तो वो पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे तोड़ फेंकता रहा। जी जी, संयोग से वो बेल के वृक्ष पर बैठा था। जी जी, तो बिल्ल पत्र तोड़कर उसने नीचे फेंके। जी जी, और उसी बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिवलिंग एक स्थापित था, मिट्टी में गुप्त लिंग। जी जी, तो वो शिवलिंग पर ही वो बेल पत्र पड़ते रहे अनजान में। जी जी, लेकिन उस दिन संयोग से महाशिवरात्रि थी। जी जी, तो अन्न और जल उसने उससे भूखा प्यासा रहा, नजर से रहित तो हो करके उसका वो व्रत हो गया। रात्र जागरण करके शिव की पूजा हो गई बेलपत्र के माध्यम से। हमारे शिव भगवान जो हैं वो भोलेनाथ कहे जाते हैं, तो उन्होंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अन्न जल से रहित तो होकर उसने व्रत किया और अनजान से ही सही बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन उन्होंने मान लिया। तो प्रातःकाल होते ही वो व्याध जो था, भगवान शिव ने उसी जगह उसको दर्शन दिया। जी जी, वो निष्पाप हो गया और उसको वरदान दिया कि तुम हमारे दूसरे जन्म में जाकर चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और हम उसने भक्ति का वरदान मांगा जो भगवान शिव ने। जी जी, ये शिवरात्रि। तो वैसे तो भक्त जन हमेशा पूजन करते रहते हैं, नित्य प्रति पूजन करते हैं, किंतु जो शिवरात्रि में पूजन का विधान है, तो हम चाहेंगे गुरु जी कुछ आप जो है विशेष प्रयोग जो है हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे जो विद्या में थोड़ा मन जिनका विद्यार्थियों का भटका करता है या चीजें आसानी से समझ में नहीं आती हैं,
तो उनके लिए वो भगवान शिव का या शिवलिंग पर क्या चीज ऐसा कैसे पूजन करें जिससे उनको लाभ हो। देखिए आशुतोष जी, भगवान शिव को विभिन्न पदार्थों से विभिन्न कामनाओं से जी जो प्रयोग करता है, जैसे प्रयोग का आपने कहा बहुत सही शब्द, सटीक शब्द आपने कहा जी जी जी। भगवान शिव को गाय का दूध जी यदि चीनी मिला करके जी, जी चीनी मिश्रित करके मीठा दूध चढ़ाया जाए जी जी, तो उससे वो बुद्धि जो मंद बुद्धि हो, जड़ बुद्धि हो जी जी, जो पढ़ने में मन लगता हो जी जी, उन विद्यार्थियों को जी शर्करा मिश्रित गाय का दूध कच्चा चढ़ाना। देखिए बहुत सुंदर प्रयोग बताया गुरुजी ने कि जिन विद्यार्थियों का मन न लगता हो पढ़ाई में, या जिनके माता पिता हमेशा परेशान रहते हो कि उनके बच्चों का मन नहीं लगता है, तो माता पिता का ये दायित्व है कि जो है वो अपने बच्चों से जो है गाय के दूध में शर्करा मिश्रित करके शिवलिंग पर जो है पास के मंदिर में चढ़वाएं, जिससे जो है बच्चों को लाभ होगा। अच्छा गुरुजी, कुछ व्यवसायियों के लिए जो धन की इच्छा रखते हैं लक्ष्मी, जिनका व्यापार में हमेशा बढ़ोतरी होती है, जी जी व्यापारी वर्ग में जो व्यवसाय लक्ष्मी की कामना करते हो विशेष रूप से जी जी, उनको इक्षु रस यानी गन्ने का रस जी जी जी, उसमें गंगा जल इत्यादि से शुद्ध करके जी जी गन्ने के रस को चढ़ाना चाहिए जी जी जी, जिससे लक्ष्मी प्राप्त होती जी जी। यदि गन्ने का, वैसे तो मिल जाता है गन्ने का रस, लेकिन अगर न जिसको मिले जी जी, तो चीनी को ही घोल करके भगवान शिव पर गंगा जल डाल करके चीनी जी जी शरबत से ही उनका अभिषेक जी और वो जल चढ़ा सकते। अच्छा, जो जैसे रोगी हैं उनके लिए, रोगियों के लिए तिल जी जी ओम नमः शिवाय कर करके जी जी भगवान शिव पर तिल भेंट करना, चाहे सफेद तिल हो चाहे काले तिल हो जी जी जी, उससे रोग का निवारण होता है जी जी। तो गुरु जी, मैं चाहूंगा कि आप जो है इसमें जो पूजन तो होता ही है, व्यक्ति अपने आप भी कर सकते हैं, एक रुद्राष्टाध्यायी और रुद्राभिषेक बहुत शब्द प्रचलित होता है, ये क्या होता है, इस पर प्रकाश डालें और कुछ दर्शकों को बताएं। जिन व्यक्तियों को आशुतोष जी विशेष कामना से पूजन कराना हो जी जी, जैसे काल सर्प दोष की शांति का ये बहुत बड़ा जी बढ़िया मुहूर्त होता जी है जी, नाग नागिन प्रतिष्ठित करके आप आचार्य ब्राह्मण को बुलाएं जी जी और उनसे विधिवत अभिषेक कराएं जी जी। अभिषेक का अर्थ ही होता है जलधारा जी जी, और उनका वैदिक पूजन जी जी, तो वैदिक पूजन और जलधार जो अष्टाध्यायी से विशेष कामना के अनुसार जी जी संभव हो जी जी, तो वो रुद्राभिषेक कहा जाता जी है जी जी। वो ब्राह्मण विधान से उसको पंचामृत इत्यादि से स्नान आदि करा के जी जी, उनका कोटसोपचार पूजन कराते हैं जी जी जी, और भगवान शिव का स्तवन करते हैं जी, और उसके बाद में वो कामना अनुसार ही प्रयोग भी करा देते हैं, सत नाम अष्टोत्तर नाम या सहत नाम से अर्चन भी जी जी, वो पुष्प इत्यादि बिल्व पत्र चढ़वा देते हैं जी जी, वो एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत जी जी उन लोगों का पूजन होता है जी जी जी। तो गुरु जी, मैं चाहूंगा एक जो है कोई मंत्र आप बता दें जो है, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनसे उस मंत्र से पूजन कर पाए और उनको एक ध्यान जो है भगवान शिव का अच्छा सा बता दें कोई जी। भगवान शिव को वैसे पंचाक्षरी मंत्र बहुत प्रिय है जी, जो कुछ नहीं कर सकता वो केवल ओम नमः शिवाय जी जी, और महिलाएं नमः शिवाय जी जी का अब जप करते हुए भगवान शिव का पूजन कर सकती हैं जी, कुछ भी चढ़ाना हो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके जी जी, उनका पूजन महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र जो है जी वो महान है जी जी, जो रोगी आती है वो ध्यान पढ़ दें अगर आप जो है भगवान शिव का कोई, भगवान शिव को पद्म पुष्प बड़ा प्रिय है जी जी, पद्म पुष्प जो भगवान विष्णु ने अर्पण किया था जी जी, और जो ध्यान पढ़ा था वही हम जी जी उसे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया जी था भगवान शिव ने। हरिस्ते साहस्रम कमल बलि माधाय पदया यदि को नित्यम निज मुदहरन नेत्र कमलम गतो भक्त्योद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां। नमः शिवाय शान्ताय पञ्चभक्त्राय शूलिने
नंदी भृंगी महाकाल गण युक्ताय शंभवे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार अस्तवन करके भगवान शिव थोड़े से ही प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। रात्रि जागरण का इसमें आशुतोष जी शिवरात्रि में विशेष महत्व है। जी जी, कोई भक्त जन रामचरितमानस का पाठ इत्यादि इसी कारण से करते हैं कि दिन को उनका व्रत पूरा होता है और रात्रि जागरण इस माध्यम से हो जाता है। जी जी, तो ये महाशिवरात्रि का। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपने इस पर प्रकाश डाला। और गुरु जी का एक वीडियो बहुत ही अच्छा जो है शिव जी के महत्व और जो है उनके स्वरूप पर बहुत अच्छा जो है संस्थान के द्वारा पहले डाला जा चुका है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो है आपको प्रत्येक व्रत एवं पर्व पर हम नया वीडियो लेके आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः।